हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ हम सीखते हैं एमआर रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, वीवी प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आज एक बहुत ही कमाल की एक ट्रिक्स के बारे में। हालांकि ये अधूरा है, हम दूसरे वीडियो में इसको पूरा करेंगे। तो मेरे एक फोल्डर है जहाँ पे मैं फाइल डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करते रहता हूँ। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट उसका डेट एंड टाइम जो मॉडिफाइड है, मुझे वो लेटेस्ट वाला डेट चाहिए कि हाँ किस दिन सबसे लास्ट मॉडिफाई हुआ है, उसी का फाइल हमें पिक करना है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हम कैसे पता करेंगे कि सबसे लास्ट मॉडिफाइड डेट और उसका फाइल नेम क्या है। तो इसके लिए चलिए हम वीवी प्रोग्रामिंग पे बढ़ते हैं। वीवी प्रोग्रामिंग पे जाने के बाद एक सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ fn, स्ट्रिंग लेता हूँ, उसके बाद यहाँ हम देते हैं dir fn इक्वल, क्योंकि fn dir फंक्शन है इसलिए fn पे स्टोर करेगा dir, और हमें उस फोल्डर का पाथ जिस फोल्डर में मेरा पूरा फाइल पड़ा हुआ है। अभी इस इन्वर्टर को हम डालेंगे और स्लैश करके हम डालेंगे अपना एक्सटेंशन कि क्या चाहिए। तो डॉट xlsx चाहिए और यहाँ पे कॉमा हमने दे दिया वीवी नॉर्मल, और यहाँ पे लिखते हैं डू वाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अब मुझे कुछ और फिलहाल मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं रेंज बेस्ड डेटा को स्टोर करवाता हूँ कि रेंज ए 65,000 एक के नीचे एक के नीचे एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल लू इक्वल टू, अगेन हम यहाँ लिखेंगे फाइल लेन नहीं, सो डेट एंड टाइम चाहिए ना, हाँ डेट एंड टाइम, और इसके अंदर हम अपना पाथ डालते हैं ये वाली पाथ, और फाइल नेम जो है वो एफ एन के ऊपर स्टोर है, तो फाइल नेम हम इसके साथ कॉन्केट कर देंगे कॉन्केट। तो ये रहा हमारा कॉन्केट में एफ एन, और उसके बाद हम वापस इसी को लेते हैं और इसमें हम करते हैं जीरो और यहाँ करते हैं वन, क्योंकि अगले रो में मुझे चाहिए फाइल का नेम, तो यहाँ पे हमने कर दिया एफ एन, और फिर एफ एन इक्वल टू डी आई आर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर हमने लगा दिया लूप। अब यहाँ मुझे जानना है कि हाईएस्ट क्या है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ डी टी लेना पड़ेगा, तो ऊपर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं कि डिम डी टी एज ए डेट, क्योंकि डेट एंड टाइम है इसलिए डेट, और यहाँ पे देते हैं कि डी टी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और इस मैक्स में हम रेंज का पूरा एक कॉलन ले लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी किसके ऊपर, डी टी के ऊपर। अब मुझे इसका फाइल नेम चाहिए, जी हाँ फाइल नेम, तो कैसे निकाले फाइल नेम, तो अगेन हम एफ एन इक्वल टू करते हैं एप्लीकेशन, अब एक्स लुकअप क्या वीवीए को सपोर्ट करता है एक बार देख लेते, अदरवाइज मुझे इंडेक्स मैच लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट एक्स लुकअप या करता है काम, तो एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारी हो गई डी टी, उस डेट को लुकअप करना है किसके अंदर, तो रेंज ए बाई ए, और हमें रिजल्ट किसका चाहिए, तो अगेन रेंज बी बाई बी, और एक्स लुकअप खत्म हो गया, फाइल नेम होगा इसके ऊपर। तो यहाँ हम कुछ ओपन करवाना बाकी जो काम करवाना कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं मैसेज बॉक्स के जरिए आपको शो करना चाहता हूँ। एम एस जी बॉक्स हमने यहाँ पे दे दिया फाइल का डी टी, और एंड एंड दे देता हूँ, एंड परसेंट में हम डैश लगा देते हैं, और फिर एंड परसेंट
हम देते हैं एफ एल। अब इस बार जस्ट एक बार इसको रन करते हैं, एरर आया। वर्कशीट फंक्शन एक्स लुकअप डी टी। अब यहां एक्स लुकअप फंक्शन नहीं कर रहा, ये सारे फाइल लिस्ट मेरे पास आ चुके हैं और ये सारे डेट एंड टाइम भी आ चुके हैं। ओ एक मिनट, मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं इज डेट का। इसके ऊपर मैं एक बार, हाँ ये तो डेट ऑलरेडी है ही, तो फिर क्यों लुकअप कर रहा है। डीटीए निकाल दिया और यहाँ मुझे एफएन के ऊपर, अच्छा एफएन ब्लैंक है और इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। ओ क्योंकि एफएन यहाँ स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं, हमें दूसरा रेंज चाहिए, सिर्फ फाइल नेम है। ठीक है, अगर इसको हम हटा दें तो मुझे यहाँ मैसेज बॉक्स के अंदर मुझे मेरा ये मिल गया, डेट एंड टाइम मिल गया कि लेटेस्ट फाइल जो है 6/10 वाला फाइल है, 6/10 वाला ये जो नॉन नंबर फाइल है। अब इस फाइल का नेम निकालने के लिए हम क्या करें, तो हम यहाँ पे एफ इक्वल टू, हम यहाँ पे मैच भी लगा सकते हैं, यहाँ एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच। मैच में मैंने दिया रेंज, मैच क्या करना है, मैच करना हमें डी टी और किसके अंदर, तो रेंज ए बाई ए के अंदर। अब इसके अंदर मैच को यहां पे कॉमा जीरो कर दिया। अब यहां पे कॉमा अगर मैं देता हूँ एफ, यहाँ पे अंडर एंड परसेंट के साथ एफ देता हूँ तो क्या नंबर आएगा, नहीं, ये जो डी टी को ये मैच ही नहीं कर पा रहा है कॉलन ए के अंदर, यहीं पे प्रॉब्लम है।